जब से आप आए हैं यहाँ पे तो अफवाहें जेरे गर्दिश हैं कि हुकूमत शायद नवंबर में चली जाए, दिसंबर में चली जाए, अगले साल मार्च में चली जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये अफवाहें जो है ना, ये तो हमेशा ही गर्दिश करती रहती है, तो बस इनको गर्दिश करता रहने दें, इनके ऊपर कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। सर, क्या हुकूमत रेडी है इमरान खान को डील देने के लिए? जी, इस बारे में कोई बात ना हुई है, ना इस बारे में कोई अंडर कंसिडरेशन है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पे हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में मुल्क के जो मामलात हैं उनके ऊपर बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए, और डायलॉग से ही रास्ता निकलता है सियासत में। तो ये बात जो है, ये बिल्कुल हमारा मौकफ पीएमएलएन का हमेशा से रहा है। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी हम इसके लिए तैयार थे, और अब गवर्नमेंट में हैं तो अब भी वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी मामलात हैं उनके ऊपर हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। हाँ सर, ये बताएं कि बिजली की वजह से लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, उस पर आपकी हुकूमत क्या कर रही है? देखें, हुकूमत तो इस बारे में भरपूर कोशिश कर रही है कि बिजली के बिल जो है उनमें कमी लाई जाए, और ख़ास तौर पर जो IPPs का मसला है, उन वायदों के ऊपर जो है वो कोई एक ऐसी सूरत पैदा की जाए कि जो आम आदमी को जो है वो यानी पैसे देने पड़ते हैं IPPs को, जिनको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, कि उनसे जो है वो जान छुड़ाई जाए। लेकिन मामला ये है कि ये हालात जो पैदा हुए हैं, 2017-18 तक तो ये हालात नहीं थे, मुल्क बिल्कुल ठीक आगे बढ़ रहा था, इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव हो रही थी। तो ये तो फिर हालात उसी वक्त पैदा हुए ना, कि जब एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक चलते मुल्क को रोक के, एक चलती गवर्नमेंट को रोक के, तो उसके बाद फिर जो असरात 17-18 के बाद हुए हैं उनको हमने कोशिश की है पिछले 16 माह में भी, कि ये जो अपना डिफॉल्ट की सूरत पैदा हो गई थी उससे मुल्क को बचाया है। तो अभी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सर, आपके पैरिस जाने के बावजूद कोई तबाह नहीं जीता, और आपकी कश्ती वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वो देखें, मामला ये है कि हमारे वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो हमारी फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, उनमें लोग 12-12 साल से 20-20 साल से बैठे हैं और कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, और टोटल जब 6-7 लोग क्वालिफाई करेंगे तो उससे फिर आप तगमों की उम्मीद जो है वो कितनी जो है वो रख सकते हैं। तो ये बहरहाल बदकिस्मती है, तो इस बारे में तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ मुसलसल खामोश है, उनकी खामोशी की खास वजह? जी, उसमें गवर्नमेंट जो है, देखें मरकज में PMLN की गवर्नमेंट है, सूबे में PMLN की गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म जो है वो रोज़ बात करते हैं, वज़ीर आला जो है वो दिन रात काम भी कर रही हैं, बात भी करती हैं, तो उनकी मौजूदगी में अगर मियाँ साहब रोज़ाना जो है वो बात करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो फिर गवर्नमेंट्स को जो है वो परफॉर्म करना चाहिए, वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए, वज़ीर आला को बात करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों गवर्नमेंट्स को, ख्वाब वो वफाक में है या दुबे में है, वो पूरी उनकी गाइडेंस हासिल है, पूरी मशावरत हासिल है, और पूरी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नमेंट्स के मामला में पूरी तरह से इन टच है। सब KPK के वज़ीर आला जो है, उनके बयानात से लगता है कि वफाक के साथ उनके सूबे के मामला ठीक नहीं है, तो उसको वो किस तरह? 30 मार खां है, वो बयान और डायलॉग कुछ और बोलता है, अंदर जब मीटिंग्स में होता है तो कुछ बात और होती है, तो वो इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन उन मामला में जिनमें KPK गवर्नमेंट को वफाक के साथ तवाबन करना चाहिए, उनमें तवाबन हो रहा है। राना साहब, हुकूमत ने ऐलान किया था कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद कर देंगे, क्या आपको पाबंदी लगती नजर आती है, या आप भी यही सोचते हैं कि एक ऐलान हुआ था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल है?
देखें उसमें गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन या आप ये कह लें कि पीटीआई के मामलात ऐसे हैं कि उनके ऊपर पाबंदी जो है वो लग सकती है और उनके जो मामलात रियासत के मतलब हुकूमत के मतलब यानी एक पार्टी जो है वो अपने अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो अगर वो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लग सकती है। लेकिन क्योंकि आईन में जो तरीक़ाकार दिया गया है उसमें आपके इलम में है कि वो पाबंदी के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अप्रूव हो तो लगती है, तो इसलिए वो मुश्किलात तो हैं। गवर्नमेंट ने ये बात ज़रूर की है लेकिन इसके ऊपर अभी कैबिनेट में जो है वो मामला पेश होगा, अलाइज जो है गवर्नमेंट के उनके पास है, तो इसलिए अभी इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त